अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक 10, विच इज़ 12.10 एंड इट इज़ इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। सो पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए उसमें हमने देखा कि किस तरह से इमेज बन रहे थे, लेकिन वो हमने किस तरह से बनाए, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रे डायग्राम। ठीक है, तो जिसमें हम इस तरह से खुद बता रहे थे कि अगर हम एक लेंस रखते हैं उसके ऊपर कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा है तो किस तरह का इमेज बनेगा, कि लाइट की रेज जो पड़ रही हैं वो कन्वर्ज कहाँ पे करेंगी, जो इमेज है वो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा या छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, वो सारा कुछ हम इस रे डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह से हमने देखा कि कन्वेक्स लेंसेज जो हैं, सॉरी ये तो हमारे पास कन्वेक्स लेंस था, अब ये जो कनकेव लेंस है इसके ऊपर इमेज किस तरह से बन रहा था, कि हम लाइट फॉल करवाते थे किस तरह से हमारी जो लाइट है वो डाइवर्ज करती थी, इमेज कहाँ पे बनता था, स्मॉल था, लार्ज था, तो ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की वो थ्रू रे डायग्राम हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टॉपिक आता है इसमें हम अगर रे डायग्राम्स एक एक चीज़ की बनाने बैठे तो हमारा बहुत लेंथी काम हो जाता है। ठीक है, इवन अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो आपको रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपको कैलकुलेशंस करनी होती है ना न्यूमेरिकल में, तो एंड उससे आपने एक ऑथेंटिक जो आंसर है वो बताना होता है कि इस टाइम पे अगर हमारा आंसर ये आ रहा है तो ये चीज़ बताएगा कि हमारा इमेज जो है वो किस तरह का बन रहा है, हमारा इमेज स्मॉल बनेगा, लार्ज बनेगा। तो इस तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यानी रे डायग्राम से हट के एक इक्वेशन पे आने के लिए हमारे पास जो साइंटिस्ट ने इक्वेशन दी है दैट इज़ कॉल्ड द लेंस इक्वेशन। ठीक है, और वो लेंस इक्वेशन क्या करती है, उस इक्वेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह का है, हमारा जो इमेज बन रहा है वो किस तरह का है, हमारा इमेज बड़ा होगा, छोटा होगा, इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, और जो हम इवन लेंसेज का भी अगर आपको नहीं आइडिया कि किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर किस तरह का लेंस यूज़ हो रहा है तो आप इस इक्वेशन को, जो लेंस इक्वेशन है उसको यूज़ करके भी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस टाइम पे जो हम लेंस यूज़ कर रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में वो किस तरह का है, आइदर वो कनकेव लेंस है, वो कन्वेक्स लेंस है। तो ये तमाम चीज़ें हमें एक इक्वेशन के थ्रू भी पता चलती हैं और एक रे डायग्राम के थ्रू भी पता चलती हैं। तो हमने रे डायग्राम को तो ब्रीफली जो है बल्कि डिटेल में डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में, अब हम स्टार्ट करते हैं लेंस इक्वेशन। एंड लेंस इक्वेशन क्या करती है, हमें एक बहुत ही ईजीएस्ट मैथड प्रोवाइड करती है कि हम किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन बता सकें कि ऑब्जेक्ट कैसा है, लेंस कैसा है और इमेज किस तरह का बनेगा। सो हमारे पास जो लेंस इक्वेशन है उसमें तीन चीज़ें हमारे पास आती हैं, एक आती है हमारे पास फोकल लेंथ, ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, एंड थर्ड थिंग है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। ठीक है, अब इन तीन चीज़ों पे बेस करता हुआ हमारा जो एक फॉर्मूला बनेगा, हमारी एक इक्वेशन बनेगी, दैट विल कॉल द लेंस इक्वेशन। ठीक है, तो अब वो इक्वेशन क्या है, दैट इक्वेशन बेसिकली गिव अस द रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब हम लेंस इक्वेशन की पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, देन हम उसको फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या आती है, कि द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। ठीक है, लेंस से कितना डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, सो अब हमने जिस तरह से पढ़ा कि हमारे पास लेंस इक्वेशन में क्या तीन चीज़ें आ रही थी, एक फोकल लेंथ, एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एंड एक इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। तो अब हमारे पास वो तीनों चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं, और किस तरह से हो रही हैं हमारे पास क्लियर, कि जो हमारी इक्वेशन बन रही है, ठीक है, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, रिलेशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, किसका रिलेशन, एक इमेज डिस्टेंस का रिलेशन, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों के रिलेशन पे डिपेंड कर रही है, जो कि किस फॉर्म में होंगे हमारे पास, फोकल लेंथ की फॉर्म में होंगे। सो अगर अब हम देखें कि हमारा जो इमेज का डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से,
ठीक है, हमारे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, ठीक है, स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी, एंड फोकल लेंथ को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन और हमारी जो डिपेंडेंस है इन तीन चीज़ों की, इसकी बिना पर जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है दैट इज 1 ओवर एफ इक्वल्स टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू. सो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी एक लेंस इक्वेशन कहलाती है. और लेंस इक्वेशन में क्या क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम द लेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ. तो ये हमारी कंडीशन पूरी फुलफिल होगी, हमारी डेफिनेशन जो है वो पूरी सेटिस्फाई हो रही है कि इन दोनों का रिलेशन बताया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ. अब हम इसको रे डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, विच इज 1 ओवर एफ इक्वल्स टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू. सो अगर हम देखना चाहें कि ये पी एंड क्यू क्या रिप्रेजेंट करें, तो एक हम लेंस ले लेते हैं, कोई सा भी ले लें, कनकेव ले लें या कन्वेक्स लेंस ले लें. मैंने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस ली है, एंड कन्वेक्स लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है बल्कि लेंसेज का, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर. अब यहाँ से और जो ये पूरी लाइन पास आउट करती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर, ठीक है, क्योंकि स्फीयर का पोर्शन है. दोनों लेंसेज कहाँ से लिए गए हैं, स्फीयर को, दो स्फीयर्स को मिला के लिए गए. अब उन स्फीयर्स का कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, एंड दैट सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास आउट कर रही है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. इसका मतलब है ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. अब अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, इट मीन्स यहाँ से लाइट पास आउट हो रही है, इस तरह से हमारा जो है इमेज कहीं जाके बन रहा है, इस तरह से ये जी हमारा यहाँ पे, जैसे ही हमारी लाइट रेज मीट करेंगी आफ्टर रिफ्रेक्शन तो हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, एंड इमेज इस तरह से बन गया, ठीक है. सो ये ऑब्जेक्ट का लेंस तक का डिस्टेंस कहलाता है हमारे पास P, small p, ठीक है. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय p, ठीक है. देन हमारा जो ये हमारा इमेज बन गया, यहां से लेके लेंस तक का डिस्टेंस कहलाता है q, ठीक है. और यहां पे जो है एक फिक्स पॉइंट पे लेंसेज के फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो है वो लाए करते हैं, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. और प्रिंसिपल फोकस क्या बताता है कि हमारी जो लाइंस हैं वो यहाँ पे आके मीट करके एक इमेज बनाएंगी, ठीक है. हर एक लेंस का अपना प्रिंसिपल फोकस होता है एंड उसके अंदर से भी कुछ लाइट रेस पास करती हैं, ठीक है. अब वहाँ से जो ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस है ये हमारा कहलाता है फोकल लेंथ, ठीक है. सो ये हो गई हमारी फोकल लेंथ. एंड चूंकि हमारा ये कन्वेक्स लेंस दोनों साइड पे इमेज बना सकते हैं क्योंकि इसकी दोनों साइड कर्व्ड है, अगर हम इधर से लाइट फॉल करवाएं तो इधर इमेज बनेगा, यानी यहाँ पे भी फोकस पॉइंट बन सकता है. अगर हम इधर से लाइट फॉल करवा रहे हैं तो प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे भी बन सकता है. सो सेंटर पॉइंट से यानी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है. अब चूंकि हम इस साइड से ले रहे हैं लाइट को फॉल करवा रहे हैं और इधर इमेज बन रहे हैं तो हमने फोकल लेंथ इस साइड वाली मेंशन कर दी है, ठीक है. सो ये क्या हमारा बन जाएगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारी लेंस इक्वेशन किस तरह से बन रही है. अब जब हमने इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करना होगा या अपने एग्जांपल्स में यूज करना होगा तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, ठीक है, सेकेंडली एक इमेज जो बन रहा है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक है. अब दो चीज़ें हमें गिवन होंगी तो हम थर्ड चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक अगर हमें पी एंड क्यू गिवन है तो एफ फाइंड आउट किया जा सकता है, पी गिवन है तो हम बाकी दो क्वांटिटीज, सॉरी पी अगर हमें फाइंड आउट करना है बाकी दो क्वांटिटीज गिवन है तो ईजिली फाइंड आउट किया जा सकता है. अब ये तो हो गया कि लेंस इक्वेशन क्या थी. अब हमने तो बात ये की थी कि इस लेंस इक्वेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कोई रे डायग्राम भी नहीं बनानी पड़ेगी, एंड ये भी पता चल जाएगा कि इस टाइम पे हम लेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का इमेज बन रहा है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से प्लेस किया गया है. तो अब हम उस चीज़ पे चलते हैं कि हमें ये इक्वेशन किस तरह से तमाम मालूमात फराहम कर सकती है, ठीक है. सो अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये तीन चीज़ें हमें क्या बताती हैं, क्योंकि हमारी जो लेंस है वो किन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी लेंस इक्वेशन जो है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी. फर्स्टली फोकल लेंथ पे, ठीक है, सेकेंड हमारे जो है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था, ठीक है, उस पर,
एंड थर्ड हमारा जो इमेज का डिस्टेंस बनेगा उस पे. अब देखें, अगर हमारी फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, ठीक है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसका मतलब है हम लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, कन्वर्जिंग लेंस, विच इज बेसिकली द कन्वेक्स लेंस. ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ये कौन सा होता है हमारा, कन्वेक्स लेंस. ठीक है, सो फोकल लेंथ हमारी अगर पॉजिटिव है, लाइक न्यूमेरिकल में अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए आगे ये दो चीज़ें गिवन थी, हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी और हमें ये कहा गया था कि जब आप फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो ये भी बताना होगा कि आपने कौन सा मिरर, सॉरी कौन सा लेंस यूज़ किया. तो जैसे आप इन दोनों को बाय इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास अगर तो फोकल लेंथ का आंसर पॉजिटिव में आ गया, इट मींस आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कन्वर्जिंग लेंस, जो कि क्या होता है, कन्वेक्स लेंस. अगर आपकी फोकल लेंथ का आंसर नेगेटिव आया है, इट मींस आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, जो कि क्या होता है हमारा, कनकेव लेंस. सो पहली बात है कि अगर फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी तो हमें इजीली पता चल गया, हमें कोई रे डायग्राम नहीं बनानी पड़ी कि किस तरह का इमेज बन रहा है, और सिर्फ हमें आंसर देख के पता चल गया कि इस टाइम हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वैल्यू शो करें, यानी अगर हमें F की वैल्यू गिवन है एंड Q की वैल्यू गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको फाइंड आउट करना है कि वो कितने डिस्टेंस पे है. ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, तब ये हमें क्या बताएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट यूज किया गया है दैट इज रियल इन नेचर. ठीक है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक रियल नेचर का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अगर यही हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इट मींस हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज वर्चुअल इन नेचर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हम जो यूज़ करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में और इवन हम डेली लाइफ में जितने भी लेंसेज वगैरह या ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो तमाम रियल इन नेचर होते हैं. ठीक है, वो कभी भी वर्चुअल इन नेचर नहीं होंगे. सो ये तो जस्ट बताने के लिए कि आंसर अगर लेंस इक्वेशन से किस तरह का आ रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह का होगा. अब आ जाते हैं हम इमेज पे. ठीक है, अब बेसिक बात हमारी यह, तकरीबन जो हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है वो एक इमेज डिस्टेंस एंड एक होती है फोकल लेंथ, एंड उन्हीं के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है तो कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है, एंड अगर हमारे क्यू का आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या चीज़ को शो करेंगे. सो अगर क्यू का आंसर पॉजिटिव है, ठीक है, इट मीन्स हमारा इमेज कौन सा बन रहा है, हमारा इमेज है इन्वर्टेड फॉर द रियल ऑब्जेक्ट्स, फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स. एंड सेकेंडली अगर हमारा जो नेगेटिव आंसर क्यू का आ रहा है, इट मीन्स हमारा इरेक्ट इमेज बन रहा है फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो यहीं पे हम देख लें कि हम मोस्टली कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, विच इज रियल इन नेचर. ठीक है, तो हमारा पी जो है वो मोस्टली पॉजिटिव ही यूज होता है. अब क्यू का इन्वर्टेड होने का क्या मतलब है, लेट सपोज हम ये जब लेंस यूज कर रहे थे एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एंड लाइट जब यू रिफ्रैक्ट होके पास कर रही है तो इस तरह से इमेज बना रही है. ठीक है, अब इमेज इस तरह बन रहा है, ये रियल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है, कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में कौन सा इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर. ठीक है, अब ये हमने पॉजिटिव क्यों रखा, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्टिव साइड पर रख रहे हैं तो लेंस की ही दूसरी साइड पर हमें जो उसका इमेज बनता हुआ नजर आ रहा है. ठीक है, तो अगर उसके राइट साइड पर या हम इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मेरी साइड से ये राइट साइड बन रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का इमेज राइट साइड पे बन रहा है, इट मीन्स हमारा पॉजिटिव आंसर है. और अगर आपको राइट लेफ्ट में मसला भी हो तो आप इसको बिल्कुल कंसीडर ना करें, क्योंकि आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट एक जगह पड़ा हुआ है और उसके सामने कहीं जाके लेंस की दूसरी साइड पे हमारा इमेज बन रहा है. सो अगर हमारा इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, इट मीन्स हम कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे हैं, एंड अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो हमारा ऑलवेज जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड और रियल इन नेचर होगा, सिवाय एक केस के. ठीक है, अदरवाइज हमारा इन्वर्टेड इमेज ही आएगा. ठीक है, अब आगे जाए हम नेगेटिव वैल्यू पे. नेगेटिव वैल्यू किस में आती है, कनकेव लेंस में. ठीक है, ये कनकेव लेंस होता है. अब
जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था हमारा इमेज भी इस तरह से बैकवर्ड जब हम इसको मिलाएंगे तो इमेज यहीं पे बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा था ऑब्जेक्ट के साथ ही हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक है। उससे थोड़ा सा हटके हमारा इमेज बन गया, दूसरी साइड पे नहीं बना, जबकि दूसरी साइड पे बनना चाहिए था, लेंस हमने यूज किया था। लेकिन अगर लेंस के अपने ही इसी साइड पे बन गया है तो हमारे पास कौन सा जो है क्यू की वैल्यू क्या शो करेगी कि हमारा जो इमेज बना है वो एक तो वर्चुअल इन नेचर है एंड इरेक्ट है, ठीक है। यानी सीधा तो है लेकिन वर्चुअल इन नेचर है। इसका मतलब है हम कौन सा लेंस यूज करें, एक डाइवर्जिंग लेंस जो कि कंकेव लेंस कहलाता है। सो अगर हम सिर्फ इतनी रे डायग्राम्स बनाने के बजाय इन थ्री पॉइंट्स को याद रख लें कि एफ जो है कब पॉजिटिव एंड कब नेगेटिव होगा, ठीक है, पी जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है तो क्या शो करता है, एंड क्यू के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से क्या पता चलता है, तो हमारी पूरी जो रे डायग्राम की इंफॉर्मेशन है हमें सिर्फ इन थ्री पॉइंट्स में मिल जाती है। एंड वो किस तरह से, बाय यूजिंग द फॉर्मूला विच इज कॉल्ड द लेंस इक्वेशन। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इक्वेशन।